हेलो एवरीवन दिस इज़ रश्मि वेलकम टू दी चैनल सो कैसे हैं सभी रिसेंटली बहुत सारे क्वेश्चंस क्वेरीज आना शुरू हो गई है जहां पर मुझसे पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ द यूजीसी नेट दिसंबर एग्जामिनेशन मैम पैटर्न क्या होगा सिलेबस चेंज होगा क्या एक्सपेक्टेड डेट क्या होगी और मैंने तो अभी बहुत दिनों से पढ़ाई नहीं की हुई है क्या करूं कैसे स्टार्ट करूं एंड मैम फर्स्ट अटैम्प है फर्स्ट अटैम्प में हम कैसे क्वालिफाई करें तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आना शुरू हो गए मतलब उथल पुथल आपके एंड से शुरू हो गई है अब देखते हैं कि एन डी ए क्या कर रहा है एंड यस ऑब्वियसली मैं तो इस वीडियो में आपको एक्सपेक्टेड डेट आपसे डिस्कस करूँगी पैटर्न क्या रहेगा सिलेबस क्या रहेगा और जो भी क्वेरी है Uh, और यदि ये जो टॉपिक मैं डिस्कस कर रही हूँ आपको लगता है कि यस यू आर वरीड अबाउट दिस तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे एक चीज़ बताएं आपको कौन सा पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है टू क्वालिफाई दिस एग्ज़ामिनेशन uh, मैंने लास्ट uh, अभी अपने जितने भी टॉपर्स हैं उनके uh, सक्सेस भी आपसे स्टोरीज़ भी आपसे शेयर किया हुआ है तो इट इज़ नॉट दी एग्ज़ाम जो क्वालिफाई नहीं किया जा सकता बट आपको क्या लगता है विच पॉइंट यू फाइंड डिफिकल्ट टू क्वालिफाई दिस एग्ज़ामिनेशन कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए सो दैट आई कैन हेल्प यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड यस yes, uh, एक और रिक्वेस्ट जो आ रही है कि प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करिए प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट करिए तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए आपके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी है तो लाइक uh, like सबसे पहले बात कर लेते हैं कि व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड डेट एक्सपेक्टेड डेट क्या होगी इस एग्ज़ाम की देखिए जो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है यदि आपका एग्ज़ाम फॉर्म रिलीज़ होता है उसके बाद हमको अप्रॉक्सीमेटली ट्वेंटी डेज़ का एक ब्रैकेट दिया जाता है टू फिल द फॉर्म टू करेक्ट द विंडो एंड ऑल उसके बाद नेक्स्ट टेन डेज़ का जो विंडो होता है वो आपके फॉर्म डाउनलोडिंग आपका एडवांस सिटी इंटीमेशन ठीक है प्रोसेस कैसे होता है पहले फॉर्म फिलिंग होगा फिर उसके बाद विंडो ओपन होगा जिसमें हमको यदि हमने कुछ इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट फिल कर दिया तो करेक्शन के लिए ऑप्शन हमको अवेलेबल रहेगा आफ्टर दैट ठीक है फिर विंडो क्लोज होगा एंड दे विल स्टार्ट कि भाई एक डेट शीट रिलीज़ कर देंगे कि इस डेट में आपका ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन होगा ठीक है अच्छा यहाँ हम मोड ऑफ एग्ज़ाम की यदि बात करें तो इट विल बी सी बी टी मोड कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम ही होगा ऑफलाइन के चांसेस कम हैं तो डेट शीट आपकी रिलीज़ होती है डेट शीट के बाद ठीक है अब हमारा स्टार्ट होता है एडवांस सिटी इंटीमेशन जिसमें कैंडिडेट को ये तो बता दिया जाता है कि उनका एग्जाम किस सिटी में होगा बट किस सेंटर पर होगा ये डिक्लेयर नहीं करते हैं ठीक है तो एडवांस सिटी इंटीमेशन एंड उसके बाद थ्री एंड फोर डेज़ के बिफोर द एग्जामिनेशन आपका एडमिट कार्ड आता है एकदम लास्ट मोमेंट पर आपको एडमिट कार्ड रिलीज होता है सिटी बता देते ताकि आप अपने रिजर्वेशन वगैरह करवा सकें तो अभी तक दिस इज ना ऑफ नवम्बर और अभी तक यदि मेरा एग्जाम फॉर्म रिलीज नहीं हुआ तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी एंड ऑफ द दिसंबर ठीक है क्योंकि यदि आप वन मंथ का प्रोसेस भी लेकर चल रहे हो तो एंड ऑफ द दिसंबर तो हम बिल्कुल मान सकते हैं और ये आपका एंड ऑफ दिसंबर या फिर जनवरी में आपका एग्जाम शेड्यूल होगा उससे पहले एग्जामिनेशन नहीं हो सकता मिड ऑफ दिसंबर यदि आपसे कोई बोल रहा है तो बिल्कुल गलत बोल रहा है आपका एग्ज़ाम एंड ऑफ दिसंबर के बाद ही शेड्यूल होगा प्रॉबेबिलिटी बिल्कुल हाई है कि ये आपके मिड ऑफ जनवरी तक जाएगा ठीक है तो हमेशा अभी अभी तक आपका फॉर्म रिलीज नहीं हुआ है दैट्स देट्स आई एम सेइंग दिस कि जनवरी आपका एक्सपेक्टेड मंथ रहेगा जिसमें आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है ठीक है तो एक्सपेक्टेड डेट मैंने आपको बताया इट विल बी इन मंथ ऑफ जनवरी 2025 थाउजेंड ट्वेंटी और आ, फिर आप ये मत सोच लेना कि जून का डिले होगा नो no. ये साइकिल कवर अप होती जा रही है जून का एग्जाम जून में ही होने वाला है जून के लिए डिले नहीं होगा मोड ऑफ एग्जामिनेशन सी मोड प्रॉबिलिटी हाई है क्योंकि लास्ट टाइम जो ऑफलाइन मोड था उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी पेपर लीक की प्रॉब्लम आया था तो वापस ये सी मोड पर आ गए हैं पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम क्या चेंज हो, हो सकता है बिल्कुल नहीं चेंज हो सकता है रिसेंटली चेंज हुआ है आ, पहले आपके थ्री पेपर्स होते थे अभी ये टू कंडक्ट कर रहे हैं एम सी क्यू बेस्ड है एंड सी बी टी मोड बेस्ड है, है. पैटर्न बिल्कुल चेंज नहीं होगा थ्री आर्स का पेपर होगा जिसमें वन फिफ्टी क्वेश्चन आपने सॉल्व करने होंगे ठीक है तो पैटर्न भी चेंज नहीं होने वाला अब क्या सिलेबस चेंज होगा यस yes, सिलेबस का जो अनाउंसमेंट है सिलेबस चेंज का जो अनाउंसमेंट है वो किया गया था दिसंबर 2023 में उसके बाद भी इन्होंने चेंज नहीं किया जून में आपको पता है कि पूरी एन टीम रिफॉर्म हुई है और एक नए सिरे से हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट कंडक्ट हुआ रिकंडक्ट हुआ तो अभी तो रिकंडशन से ही वो फ्री हुए हैं तो जो सिलेबस चेंज की प्रोबेबिलिटी है वो इस एग्ज़ाम में नहीं है एंड इट विल बी इन द नेक्स्ट ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव में एग्जाम सॉरी सिलेबस चेंज हो सकता है अभी प्रॉब्लिटी कम है फिर भी इन दर्स्ट केस यदि आपको लगता है कि क्योंकि सलेबस चेंज का इंटीमेशन ही एडवांस में देंगे हमको ऐसा नहीं करेंगे कि लास्ट मोमेंट पर देते हैं और एक चीज़ और समझिए कि यदि सलेबस चेंज होता है तो सलेबस मुश्किल से थ्री टू फाइव परसेंट पोर्शन ऑफ द सलेबस चेंज होता है ठीक है थ्री टू फाइव परसेंट ऑफ सिलेबस चेंज होता है पूरा सिलेबस चेंज नहीं किया जाता कोई एक यूनिट जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूनिट में हमको थोड़ा सा मशीन लर्निंग का पोर्शन इंक्लूड किया जा सकता है या फिर प्रोग्रामिंग के पोर्शन में हमको अपैथन प्रोग्रामिंग इंक्लूड की जा सकती है इससे ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं होंगे जो ऐसे पोर्शन हैं जो हमको रीड नहीं करना चाहिए वो रिमूव कर दिए जा सकते हैं तो जो चेंजेस हैं वो पॉजिटिव चेंजेस होते हैं और ऐसे होते हैं जिनको हम कवर अप कर पाए तो सिलेबस चेंज नहीं होगा होगा भी तो बहुत माइनर चेंज वैसे तो मेरे तरफ से नहीं होगा ठीक है क्या पैटर्न ऑफ क्वेश्चन चेंज होगा यस yes. क्या पैटर्न ऑफ क्वेश्चन चेंज होगा हर बार चेंज होता है हर एग्जाम में चेंज होता है तो इस बार भी होगा अब पैटर्न से डरने की बात नहीं है पैटर्न ऑफ क्वेश्चन से डरने की बात नहीं है क्योंकि यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है वो ट्रू या फॉल्स पूछें वो एम्स वो वन लाइक सेलेक्ट एनी वन पूछे वो मैच द टेबल पूछे वो असशन रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे आप सॉल्व कर सकते हो बिकॉज योर कॉन्सेप्ट आर क्लियर ना तो इस इस पैटर्न ऑफ चेंज क्वेश्चन को कैसे डील करना है चेंज ऑफ क्वेश्चन पैटर्न को कैसे डील करना है प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस ठीक है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए गेट प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए नेट प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए इसके अलावा मॉक टेस्ट दीजिए आप किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को डील कर सकते हो आप किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को डील कर सकते हो एंड यस यहाँ मैं हाँ एक एक चीज़ कि बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं कोई एम सेट है कोई के सेट है कोई स्टूडेंट यू नेट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं दे आर द स्टूडेंट जिनको एच एच पी पी एस सी का असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन देना है तो आप सब के लिए आई एम कमिंग विद अ कम्बाइंड प्रैक्टिस सीरीज कम्बाइंड प्रैक्टिस सीरीज ऐसे क्वेश्चन ऐसे टॉपिक डिस्कस करूँगी सो दैट इट विल बी हेल्प यू हेल्पफुल फॉर योर ऑल काइंड ऑफ एग्जामिनेशन कॉमन प्रैक्टिस सीरीज लॉन्च कर रही हूँ वाई बिकॉज भाई इंडिविजुअली करना डिफ़िकल्ट है ये कॉमन है आपको हेल्प करेगी वैराइटी ऑफ क्वेश्चन हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ डिस्कस कर पाएंगे तो आप सबने चैनल सब्सक्राइब कर लेना है एंड मुझे कमेंट बॉक्स में कन्फर्मेशन भी दे दीजिए आर यू इंटरेस्टेड फॉर दिस सीरीज और नॉट यदि आप नहीं लिख रहे हो इसका मतलब कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो चलिए अब आ जाते हैं एक लास्ट क्वेश्चन पर कि हाउ टू बिगिन हाउ टू बिगिन योर प्रिपरेशन तो देखिए यदि तक अभी तक लाइक जिन्होंने लास्ट एग्ज़ाम दिया था और एक दो मार्क्स से रह गया है इट मे बी कि आपने भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की और इट मे बी यू आर द बिगनर ठीक है तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन एनी इट इज़ योर थ्योरी तो आपने पढ़ना ही है ठीक है लेकिन किस चैप्टर से स्टार्ट करें स्टार्ट विद द यूनिट दैट यू फील ईजी ठीक है जो आपको लगता है ना कि इजी यूनिट है मैं इजीली कर सकते उससे स्टार्ट करिए आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा अच्छा इन सब के पहले एक टाइम टेबल बना लीजिए नेक्स्ट फोर्टी फाइव डेज़ का हाँ तो फोर्टी फाइव डेज़ हम माल लेकर चल रहे हैं फिफ्टीन डेज़ ऑफ नवंबर टेन डेज बचे हुए हैं थर्टी डेज ऑफ दैट नवंबर दिसंबर इंक्लूडिंग जनवरी के चार पाँच दिन तो फोर्टी फाइव डेज़ के लिए एक टाइम टेबल बनाइए जिसमें इनिशियली थर्टी डेज़ में टेन यूनिट को कवर करिए ठीक है हर यूनिट के लिए आपको एक डेडिकेटेड टाइम चाहिए कुछ यूनिट लेंदी होगी कुछ छोटे होंगे तो थर्टी टू फोर्टी डेज में इनको बाइंड अप करते हुए फिर लास्ट जो डेज़ रहेंगे वहाँ आपको सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस और रिवीजन करना है ठीक है तो स्टार्ट विद अ यूनिट जो आपको इजी लगती है अच्छा कंटेंट कहाँ से चाहिए आपके पास पहले से कंटेंट है वेल एंड गुड उसको ही आप प्रिपेयर करिए रिवाइज करिए प्रैक्टिस करिए प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट दीजिए प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए गेट प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए सेकेंड मैं प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट कर ही रही हूँ अच्छा यदि आपके पास कंटेंट नहीं है आप मेरा रिकॉर्डेड कोर्स परचेज कर सकते हो जहाँ रिकॉर्डेड कंटेंट भी है पीडीएफ भी अवेलेबल है दिस कोर्स इज़ हेल्पफुल फॉर एच पी पी एस सी एम पी पी एस सी के एस एट एग्जामिनेशन मतलब जहाँ भी सिलेबस कॉमन है सभी एग्जाम में आप अप्लाई कर सकते हो ब्लाइंडली अप्लाई कर सकते हो तो आप रिकॉर्डेड कोर्स नॉमिनल चार्जेस पर अवेलेबल है बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं है एक पिज़्ज़ा पार्टी का चार्जेस मैंने रखा हुआ है तो आप आ, इसको ज्वाइन कर सकते हो और अपनी प्रिप्रेशन कर सकते हैं ठीक है तो स्टार्ट करिए नेक्स्ट थर्टी डेज़ आप प्लान करिए टू कवर योर सिलेबस एंड एट्टी परसेंट सिलेबस पर पहले फोकस रखिए फिर जो रिमाइनिंग पोर्शन होगा उसको आप पी वाई क्यू से तैयार करिए एंड मॉक टेस्ट एंड पी वाई क्यूज मॉक टेस्ट एंड पी वाई क्यू एंड टाइमली रिविजन बस इतना यदि आपने कर लिया आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं लेकिन डेडिकेटली करना नाम के लिए नहीं कंसिस्टेंटली करना करेक्ट सो हाउ टू प्रिपेयर यस हाउ टू बिगिन दिस इज़ द आंसर एंड ऑल द वेरी बेस्ट For your examination, for any query, stay in touch and give your comment into the comment box. Thank you, everyone.